हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे टू एम चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आप आरटीआई कैसे लगा सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए। आरटीआई क्यों लगाया जाता है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जान रहा है तो आप सीधे ही मिनिस्ट्री से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चाहे आपका सेंट टू मेम्स नहीं हो रहा है, आपका 2, 3, 4, 5 महीना वेट कर चुके लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, या आपके स्टेटस नहीं बदल रहा है, तो आप उनसे मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ पे जानकारी को ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपको आरटीआई में लिखना क्या चीज है, क्या चीज लिखोगे तभी आपको एक एग्जैक्ट रिप्लाई आएगा, पैसा कब मिलेगा आपको वो आरटीआई से ही आपको पता लग पाएगा। हमने एक प्रगति स्कॉलरशिप का आरटीआई लगाया था, उसमें साफ लिखा था प्रगति स्कॉलरशिप रिन्यूअल का जो पैसा है वो मार्च से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वैसा ही हो रहा है कि बच्चों का मार्च से पहले ही पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। जैसा कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था वीडियो में, 50,000 रुपये स्कॉलरशिप पीएफएमएस का रिकॉर्ड आपको दिखाया था प्रूफ के साथ। तो आज अगर आप किसी भी स्कीम के थ्रू है, आप आरटीआई फाइल कीजिए। आरटीआई फाइल करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, A to Z, क्या लिखना है, क्या चीज है, सब चीज जान के दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, और इतनी मेहनत के लिए यार एक लाइक तो बनता है, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है टेलीग्राम में जुड़िए, यहाँ पे इसमें ऑल अपडेट आपको पल पल की आपको मिलती रहेगी। बच्चे कहाँ से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको गूगल खोलना है, यहाँ पे गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आरटीआई। ठीक है, आरटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जैसे आप फ्रेंड्स ये चीज लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू स्टोरी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने पर जो गाइडलाइंस को कंप्लीट पढ़ ली, स्टेप स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट देखना बस। ठीक है, सबमिट का ऑप्शन सबमिट कीजिएगा पढ़ने के बाद, उसके बाद इस प्रकार का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप किस मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पे करना चाहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज डेट आपने एनएसपी खोला, एनएसपी ने आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में अप्लाई किया, चाहे प्री मैट्रिक है आपका, पोस्ट मैट्रिक मेरिट का मीन सीएस है, या आपका सेंटर सेक्टर स्कीम डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में सेंटर सेक्टर स्कीम है, जिस भी स्कीम के थ्रू भी आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएगी यहाँ पे, देख सकते डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी मुझे मिल चुका, उसके बाद डिपार्टमेंट स्पेस। ठीक है, मैं नीचे और थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने और स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिल चुका मिनिस्ट्री ऑफ माइनस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मैं सपोज है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का करके दिखा रहा हूँ, अगर आप जिस स्कीम के हैं उस स्कीम का आप यहाँ पे कर सकते हैं ढूंढ के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मैंने क्लिक कर दिया, स्कीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ, इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो सेंट्रल वर्क काउंसिल है, जो भी आपका है यहाँ पे सिलेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन इसको भरना भी कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखे, आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है इस कॉलम में। मैं तो इसको जूम कर दूँ, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख लीजिए इधर आपको मोबाइल का ईमेल आईडी, नेम, उसके बाद जेंडर आपको मेल फीमेल आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद एड्रेस आपको भरना, जो भी आपका एड्रेस है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पिन कोड, पिन कोड आपको यहाँ पे जो भी लिखा है पिन कोड, आपको पिन कोड टाइप करना है, उसके बाद कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको जो भी स्टेट है, चलिए मैं यहाँ पे स्टेट टाइप कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद आप रूरल में आते हैं, अर्बन में आते हैं, वो आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला एजुकेशन स्टेट, आपका एजुकेशन स्टेट क्या है, लिटरेट, लिटरेट, तो आपको लिटरेट पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप पूछेगा लिटरेट में क्या है, ग्रेजुएट, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, जो भी आप इनमें से बिलोंग करते हैं वो आप कर सकते हैं, चलिए मैंने ग्रेजुएट कर लिया है। उसके बाद फोन नंबर पर आपको फोन नंबर लिख देना अपना, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है सिटीजनशिप इंडिया लिखा रहेगा ऑटोमेटिक इज अ, अगर आप बीपीएल वगैरह में आते हैं तो बीपीएल वगैरह अगर आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं आते हैं नो कीजिएगा, आते हैं तो यस जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना जो भी समस्या है यहाँ पे आपको दर्ज करना है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दर्ज करना है, कैसे दर्ज करेंगे देखो, कैसे दर्ज करना है इसको, आप लिखना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चीज है, इसका जो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। लिखा देखो क्या है, क्या चीज आपको जोड़ना है, क्या चीज अपने हिसाब से हटाना है, देखो कस्टमाइज कैसे करना है, क्योंकि ऐसा उठा के छाप दोगे तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री आपको रिप्लाई नहीं देगी। ठीक है,
देखो सारिया मैडम आपका ऐसे रहेगा, आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे लिखना, जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी वो आपको लिख देना है। उसके बाद ये पूरा सेम रहेगा, आई हैव रिन्यूअल फ्रॉम दिस स्कीम इन द एनएसपी स्कॉलरशिप 2022-23, बट सर माय स्टेज इज नाउ शोइंग ऑन एनएसपी एज अ फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर। ठीक है, अगर आपका मिनिस्ट्री फॉर्म वेरीफाई करता है तो मिनिस्ट्री को यहाँ पे लिखना है। ठीक है सर, प्लीज टेल मी व्हेन विल आई गेट द मनी फ्रॉम फॉर दिस स्कीम, मेरी स्कीम का पैसा कब आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मेंशन करना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आपको अपनी स्कीम का नाम भी बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा आई हैव रिन्यूअल फॉर दिस स्कीम, तो दिस स्कीम की जगह आपको कौन सा स्कीम है आपका, उसमें का नाम भी लिखना है। जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, या आपका सीएसएस स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, या आपका प्रगति स्कीम है, या आपका किसान उदय स्कीम है। ठीक है, आपका जो भी स्कीम है आपको दिस स्कीम की जगह उस स्कीम का आपको नाम लिखना है, ये कस्टमाइज है। ठीक है, उसके यहाँ पे जो दिस स्कीम लिखा हुआ है, दिस स्कीम की जगह आपको यहाँ पे अपनी स्कीम का नाम लिखना है। ठीक है, आई एम रिन्यूअल स्टूडेंट, आपका जो भी आई एम रिन्यूअल स्टूडेंट, ये सपोज मैंने ये लिख रखा है सेंटर सेक्टर स्कीम एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये मैंने स्कीम का नाम लिख रखा है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इस प्रकार से आपको अपनी स्कीम का नाम ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में इधर लिख के रखना है। उसके बाद लास्ट में आपको करना कि पूरा कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको इधर पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, ठीक है सर प्लीज रिप्लाई सून, ऐसे लिखना सर प्लीज रिप्लाई सून। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है 1KB के अंदर, आपको चूज फाइल के ऑप्शन में जाना है। आपका जो भी एप्लीकेशन है एनएसपी एप्लीकेशन में, उसको स्क्रीनशॉट खींचना है अच्छे ढंग से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और पीडीएफ को जो अभी आपका 1 MB के अंदर फोटो को अपलोड कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना है एप्लीकेशन आईडी आपका साथ साथ दिखना चाहिए और आपको ये चीज करना है। ठीक है, करने के बाद आपको जो कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में सबमिट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, आपको ₹10 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ₹10 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ₹10 पेमेंट उनके लिए है अगर आप बीपीएल को यस करते हैं। अगर आप बीपीएल को यस करते हैं तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा, ₹10 का फ्री है। अगर आप बीपीएल नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको नो करते हैं बीपीएल को, तो आपको ₹10 देना पड़ेगा, चार्जेस आपका है इस आरटीआई का। ठीक है, आप इसे पेटीएम वगैरह यूपीआई से आप थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, इसके थ्रू आप आरटीआई से रिप्लाई ले सकते हो, कोई ना कोई आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसे प्रगति स्कॉलरशिप मिला था, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग रिप्लाई दे चुका हूँ, उसके रिगार्डिंग रिप्लाई आ चुका है। तो इस प्रकार से आपकी स्कीम वाइज रिप्लाई आ सकता है, ऐसे करेंगे 2 या 3 दिन बाद आपका रिप्लाई देखने को मिल सकता है।